So now we are going to discuss about the nutation, which is the next topic after the topic of sex determination. Nutation. So the term mutation or the concept of mutation, first of all, was introduced by Hugo de Vries. Hugo de Vries जो है इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था. आप क्लास टेंथ में पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा ही दिया गया था. और पहली बार म्यूटेशन को इस टर्म को और म्यूटेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले जो पर्सन थे वो थे ह्यूगो डी व्रीज. सो सर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई Hugo de Vries. De Vries in 1901 में Hugo de Vries ने ये म्यूटेशन टर्म प्रोवाइड किया था. और उसी बेसिस पर जो है म्यूटेशन के बेसिस पर ही इन्होंने म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था. इवोल्यूशन का जो थियरी होता है उस थियरी में एक थियरी इनके द्वारा भी दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा. इसको बोला गया क्या म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन. उसके अलावा जो है म्यूटेशन सॉरी ह्यूगो डी व्रीज का नाम आप लोग पढ़े होंगे इसी चैप्टर में दैट द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल का जो वर्क था इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिंस देयर लाइफ ड्यूरेशन. ओके जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके वर्क को जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला था. बट आफ्टर हिज डेथ आफ्टर 16 ईयर ऑफ हिज डेथ इन 1900 थ्री साइंटिस्ट वेयर एबल टू rediscover and give or provide the recognition to the Mendel for his work of finding the law of inheritance of the traits. Traits के inheritance को का जो law था उसको find करने के लिए जो भी experiment किए थे उसको recognition उस law को recognition जो है three scientists के द्वारा मिला था. and out of three scientists Hugo de Vries was the one of the person. Hugo de Vries, Karl Lorenz and Erik von Sernbach. These are the three person or three scientists who were able to rediscover and provide or give recognition to the Mendel's work. और उसी के बाद से जो है इस law of inheritance से related और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस होता है ट्रेड्स का उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उसी के बाद से शुरू हुए. मतलब जो भी आगे वाले जो पर्सन और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए वह इस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स के बाद ही शुरू हुआ. तो ये तो था आपका टर्म किसने दिया था म्यूटेशन टर्म. सो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था 1901 में वेन ही वॉज doing experiment with or studying the evening primrose. Evening primrose is a flowering plant, and when he was working with this, the Mendel find out the process of mutation and provide the term mutation. And the mutation was the basis. Mutation was the basis
his theory, which was known as mutation theory. Mutation theory. Mutation theory of evolution. Evolution का जो theory था, mutation theory, वो उसका basis भी mutation ही था. तो ये था आपका mutation. अब अगर इसको हम define करें, definition अगर इसका दें mutation का, what is mutation? So we can define the mutation as a sudden change. In the genetic makeup of a sudden change in the genetic makeup of an organism. कोई भी सडन चेंज अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन. और उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि वो रिजल्ट उस ऑर्गेनिजम्स के, वो जो रिजल्ट होता है सडन चेंज का, उस ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो अपीयर. जो म्यूटेशन कॉज होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में दिखाई देना शुरू हो जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन. इसका डेफिनेशन यहाँ पे शॉर्ट में हमने दे दिया है. अब बात करते हैं म्यूटेशन की कितने टाइप्स होते हैं, म्यूटेशन को जो है कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्लासिफिकेशन तो म्यूटेशन को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ब्रॉडली अगर देखा जाए इट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी. द म्यूटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी. फर्स्ट इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन. As the second is the gene or point mutation. कौन सा point की बोल चुके हैं, gene or point mutation. Okay, तो ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है. मीन्स अगर म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या, जेनेटिक मेकअप चेंज होना. जेनेटिक मेकअप का मीन्स द मेटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो मेटेरियल पाया जाता है, जो जेनेटिक मेटेरियल बनाता है, दैट इज क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोजोम. तो क्रोमोजोम या तो पूरा का पूरा क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, या फिर क्रोमोजोम का जो यूनिट होता है दैट इज डीएनए. वैसे तो यूनिट होता है क्रोमोजोम का कौन सा, न्यूक्लियोसोम. अभी आप अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम आप पढ़ने को मिलेगा. और न्यूक्लियोसोम जो है बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोसोम. तो प्रोटीन तो वैसे जेनेटिक मेटेरियल होता नहीं है. अभी इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और एविडेंस आपको अगले चैप्टर में मिलेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में. बट जो इनहेरिटेबल सब्सटेंस होता है, मीन्स जो ट्रेट को इनहेरिट करने का काम करता है, वो क्या होता है, जेनेटिक में न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए. तो डीएनए जो होता है वो मेन आपका इनहेरिटेबल सब्सटेंस होता है क्रोमोजोम के अंदर. तो अगर डीएनए के कुछ लेंथ ऑफ डीएनए अगर चेंज होता है, मतलब क्रोमोजोम में चेंजिंग होता है, या नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में चेंज हो रहा है, या क्रोमोजोम के साइज में, शेप में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन के कैटेगरी में रखेंगे. और अगर दूसरा जो कैटेगरी आपका बनता है
जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, मींस डीएनए की उस पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर जीन की तरह से वर्क कर रहा है या बेस पेयर में चेंजिंग हो रहा है, किसी भी जीन के पर्टिकुलर बेस पेयर में चेंजिंग हो रहा है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि केवल एक जीन चेंज होगा। लेकिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, एक से ज़्यादा जीन जो है ऑर्गेनिजम्स के चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका दो कैटेगरी बना है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन और पॉइंट म्यूटेशन। अब आगे बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मीन्स ये कि क्रोमोसोम का शेप चेंज होना, साइज चेंज होना, या क्रोमोसोम का जो आर्म होता है वह या तो ब्रेक हो करके किसी और प्लेस पर चला जाए, या ब्रेक हो करके अलग हो जाए, या फिर उसके जगह पे कोई दूसरा पार्ट आ जाए, एक्सचेंज हो जाए। तो ये सारे जो है कंडीशंस ऑब्जर्व होते हैं इन केस ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगेन जो है कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो इसको जानते हैं पहले। पहला जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिलीशन। सो डिलीशन इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एक तरह का म्यूटेशन जो है डिलीशन की वजह से हो सकता है। डिलीशन का मीन्स ये, जैसे आपको एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू बताते हैं। सपोज ये आपका क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के जो जीन दिखाई दे रहे हैं, सपोज यहाँ पे इस आर्म में ए बी सी एंड डी और दूसरे आर्म में आपका ई एफ जी एच, ये जो है जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर। तो अगर हम डिलीशन की बात करें, सपोज ये वाला पोर्शन आपका जो है डिलीट हो रहा है क्रोमोसोम्स का, मतलब वो अलग हो रहा है, तो ऐसे में जो क्रोमोसोम होगा उसका साइज जो है छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ द क्रोमोसोम बिकम्स और आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो आर्म होगा वो छोटा रह जाएगा। और एफ यहाँ पे बचेगा और जो जी एच है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। तो डिलीशन की वजह से भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, मतलब उसका साइज क्या होगा, छोटा हो गया इसके आर। दूसरा आप दे सकते हैं इनवर्जन। सो इन्वर्जन में क्या होता है आपका, सपोज यहाँ पे भी आपको क्रोमोसोम्स के थ्रू ही बता रहे हैं। सपोज ये आपका क्रोमोसोम है और इसमें जो जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ऐसे में आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में हम देखेंगे क्या, ये जो आपका क्रोमोसोम के किसी छोटे से पार्ट में इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब एक्सचेंज होता है, ओके, जीन का एक्सचेंज होगा या बेस पेयर का एक्सचेंज होगा, उसी को हम बोलेंगे इन्वर्जन। सपोज यहाँ पे आपका इन्वर्जन जो दिखा रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं, आप एक और जीन बढ़ा लेते हैं, आई कर लेते हैं। सपोज ये वाला पोर्शन जो है इसी में इन्वर्जन हमको देखना है। इन्वर्जन कैसे होगा, तो ये आपका क्रोमोसोम कैसे बनाएंगे, तो इन्वर्जन में हम देखेंगे क्या, ये तो ये सारे चीज ऐसे रहेंगे ए बी सी एंड डी, और इसमें जो इन्वर्जन हो रहा है इन तीनों में इन्वर्जन हो रहा है, बीच वाला सेम प्लेस पे रहेगा बट ये साइड साइड वाले क्या होंगे, एच जो है एफ की प्लेस पे आ जाएगा
और यंग जो है एच के प्लेस पे चला जाएगा, तो उसी को हम इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्जन और द एक्स। ओके, इन्वर्जन और एक्सचेंज मीन्स यहाँ पे आपका ई तो रहेगा ई पहले से ही, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी तो रहेगा बीच में ही, और यहाँ पे हो जाएगा एफ और लास्ट में आपका आई। तो इन्वर्जन में क्या आप देख रहे हैं कि प्लेस चेंज हो जा रहा है। ओके, एच एफ के जगह पे एच आ जा रहा है और एफ के जगह एच के जगह पे एफ चला जा रहा है, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि अगर ये जीन का प्लेस चेंज होगा तो जो भी सब्सटेंसेस बनेंगे वो अलग अलग जगह पे बनेंगे, मतलब स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी म्यूटेशन कॉज करने का मेथड हो सकता है। इसके अलावा जो है थर्ड टाइप्स में आप देखेंगे डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इज अनदर मेथड ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि डुप्लीकेशन टर्म से ही क्लियर है कि इसमें किसी भी एक छोटे से पार्ट ऑफ क्रोमोजोम का डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट जब बनेगा तो उस पर पाए जाने वाले जीन का क्या होगा, डबलिंग हो जाएगा, मतलब डबल जीन बन जाएंगे डुप्लीकेशन की वजह से। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं, तो सपोज ये जीन है ए बी सी एंड डी ई एफ जी एच, तो ये आपका जीन दिखा रहा है। अब इसमें सपोज आपका डुप्लीकेशन होना है, जी एफ और जी का डुप्लीकेशन हो, इस रीजन में डुप्लीकेशन अगर कराना है तो आपका जो रिजल्ट होगा आपका म्यूटेशन वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, ये आपका डुप्लीकेशन की वजह से जो क्रोमोजोम का आर्म है जिस पर डुप्लीकेशन हो रहा है उस आर्म का लेंथ भी क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ेगा क्योंकि जो जीन है वो डबल हो रहा है। यहाँ पे ई एफ जी एफ जी एंड एच, तो एफ जी जो है वो दो बार आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ और मेथड ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है इतने टाइप्स के हो सकते हैं, डिलीशन, इन्वर्जन और डुप्लीकेशन, ये तीन तरह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका सॉरी क्रोमोसोमल में ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, क्रोमोसोमल में दो कैटेगरी होता है, एक आपका मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा होता है आपका अर्थमेटिकल। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम में, ये था आपका मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब शेप एंड साइज। ओके, क्रोमोजोम का शेप और साइज जब चेंज होगा उसको मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोजोमल म्यूटेशन बोलेंगे, और दूसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक क्रोमोजोमल म्यूटेशन। तो अर्थमेटिक क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो होता है उसमें नंबर्स से रिलेट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज होगा या फिर घटेगा, उसी को हम न्यूमेरिक म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मॉर्फोलॉजिकल हो गया, दूसरा है नोट्स आपको मिल जाएगा न्यूमेरिक म्यूटेशन, सेकंड इज न्यूमेरिक क्रोमोजोमल म्यूटेशन, न्यूमेरिक क्रोमोजोमल म्यूटेशन। सो न्यूमेरिक में क्या होगा कि नंबर्स जो है चेंज होंगे,
नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है चेंज होंगे। तो ये आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, न्यूमेरिक क्रोमोजोम और म्यूटेशन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज फर्स्ट इज यूक्लाइडी एंड सेकेंड इज एन यूक्लाइडी। ये दो तरह का म्यूटेशन होगा, एक यूक्लाइडी और दूसरा है आपका एन यूक्लाइडी। ओके, एन यूक्लाइडी देखिए, ये टर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में पूछा जाता है, यूक्लाइडी और एन यूक्लाइडी। सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इसमें चेंज होंगे, बट कैसे चेंज होंगे उसी के बेस पर ये नेम प्रोवाइड किया गया है। यूक्लाइडी मीन्स वेन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज बाय द सेट्स, जब सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है चेंज होंगे तो उसको हम बोलेंगे, और वो भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्रोमोजोम्स जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हैं उसमें एक एक सेट जुड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए अगर यंग क्रोमोजोम है किसी में तो एन प्लस वन हो गया, उसके बाद एन प्लस टू हो गया, एन प्लस थ्री हो गया, तो ये जो है प्लाइडी चेंज होता रहता है तो उसको हम बोलेंगे यूक्लाइडी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज बाय सेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यूक्लाइडी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज बाय सेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है सेट बाय सेट जो है चेंज होंगे और वो भी किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसको ऐसे हम न्यूमेरिक क्रोमोजोमल म्यूटेशन को बोलेंगे यूक्लाइडी, उसको बोलेंगे यूक्लाइडी। और दूसरा जो है अनयूक्लाइडी, इसमें सेट में ही चेंज होंगे बट या तो वन और टू, दो और वन और टू के फॉर्म में हमें चेंज होंगे, उसको अनयूक्लाइडी बोलेंगे। मतलब इसको करते हैं प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, तो सेट होंगे या तो एक सेट जो है ऐड होगा या एक सेट डिलीट होगा। उसके अलावा दूसरा जो केस बन सकता है, या तो दोनों सेट दो सेट है क्रोमोजोम के तो दोनों डबल हो जाएंगे या दोनों ही क्या होंगे डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं अनयूक्लाइडी, इसमें प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू का केस बनता है। अभी आप देखेंगे कैसे प्लस माइनस वन और टू का केस क्रिएट हो रहा है और उससे रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे या कौन से कंडीशन आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्लाइडी की, तो यूक्लाइडी में आपका जो सिचुएशन बनेगा उसमें देखिए, जब यूक्लाइडी में सिंपली क्या होता है, अगर यंग क्रोमोजोम है तो ये क्या होगा हैप्लॉयडी, हैप्लॉयड होगा। टू यंग है तो डिप्लॉयड होगा, थ्री यंग है तो ट्रिप्लॉयड होगा, फोर थ्री से ज्यादा अब जब क्रोमोजोम का सेट होगा तो ऐसे में उसको हम बोलेंगे मोर देन थ्री होगा, मोर देन थ्री एन, मोर देन थ्री वाले एन वाले केस को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी। तो पॉलीप्लॉयडी जो केस देखा जाता है इट इज स्पेशली इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में ये पॉलीप्लॉयडी दिखाई देता है। तो ये वाला जो यूक्लाइडी जो म्यूटेशन होता है स्पेशली प्लांट स्पेसीज में ऑब्जर्व होता है। यूक्लाइड का केस आप देखिए होंगे रिप्रोडक्शन के समय जो एंजियोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म में, दैट इज ट्रिप्लॉयड, तो ट्रिप्लॉयड का केस हो गया। पॉलीप्लॉयड जो होता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉलीप्लॉयडी शुरू करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट जो है मोर देन थ्री दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं अनयूक्लाइडी प्लस माइनस वाला केस देखते हैं कैसे प्लस माइनस बनता है। तो अनयूक्लाइडी में हम देखेंगे अनयूक्लाइडी को भी हम फोर कैटेगरी में डिवाइड करें, देयर आर फोर कैटेगरी ऑफ अनयूक्लाइडी। इसमें फोर कैटेगरी में पहले हम उसको दो ही कैटेगरी में डिवाइड करना है, माइनस वाला केस, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो माइनस वाले में क्या होगा, दो होगा, माइनस वाले में दो कैटेगरी होगा। जैसे देखिए इसमें होगा क्या, सपोज किसी भी ऑर्गेनिजम्स में
जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो हमेशा क्या पेयर में पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स का पेयरिंग होता है, डिप्लॉयड जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पोरोफिटिक बॉडी कैरी करते हैं, मीन्स डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं, तो डिप्लॉयड स्टेज में क्रोमोजोम्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड जब होंगे इसमें माइनस वाला केस क्या बनेगा, तो सपोज ये पेयर्ड है तो पेयर्ड क्रोमोजोम में से एक क्रोमोजोम क्या हो गया, गायब हो गया, तो रिप्रोडक्शन के समय सपोज नॉन डिसजंक्शन हो रहा है और मियोसिस से क्या होगा कि एक क्रोमोजोम स्पर्म जो बना उसमें एक क्रोमोजोम गायब है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो क्रोमोजोम जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर वो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो जो क्रोमोजोम बनेगा वो सेट में नहीं रहेगा, एक क्रोमोजोम गायब रहेगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे इसमें से एक सेट क्या हो गया, गायब हो गया, पेयर्ड में से एक क्रोमोजोम गायब है, तो ऐसे केस बनता है माइनस वन का, ओके, और माइनस वन वाले केस को हम बोलते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी। दूसरा केस क्या बनता है कि अगर ये दोनों सेट ठीक क्या हो, दोनों सेट गायब हो, डिफॉल्ट कंडीशन के दोनों सेट क्या हो गया, गायब हो गया, इसलिए हो गया माइनस टू, तो माइनस टू को हम बोलते हैं नलीसोमी, दिस वन नलीसोमी एंड देन नलीसोमी। तो अब आगे बढ़ते हैं प्लस के केस में, तो सपोज यहां पे आपका जो क्रोमोसोम्स हम दिखाए थे डिप्लॉयड बॉडी में पेयर्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सो इफ द कंडीशन अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन दैट अ सेट ऑफ क्रोमोसोम एडेड, सो इन पेयर देयर आर थ्री क्रोमोसोम, सो दिस केस रिप्रेजेंट्स द प्लस वन, केस ऑफ प्लस वन, एंड द लेट केस ऑफ प्लस वन इज नोन एज ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। अब इसका एग्जाम्पल आप जो है जब हम लोग स्टडी करेंगे डिसऑर्डर के बारे में तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब ये जो है वन सेट ऐड हुआ, अगर इसमें एक और ऐड हो जाए तो यहाँ पे क्या होंगे, फोर क्रोमोसोम्स होंगे पेयर्ड, तो वैसे में आपका प्लस टू वाला केस बनेगा, प्लस टू वाले एन्यूक्लाइडी को हम बोलते हैं टेट्रासोमी, इज नोन एज टेट्रासोमी, ओके। सो मोनोसोमी इन द केस ऑफ माइनस वन, नलीसोमी इन द केस ऑफ माइनस टू, ट्राइसोमी इन द केस ऑफ प्लस वन एंड टेट्रासोमी इन द केस ऑफ प्लस टू। तो ऐसे अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम माइनस या प्लस हो रहा है तो इस तरह से चार केस बनेगा और चारों को हम बोलेंगे एन्यूक्लाइडी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूटेशन दैट इज द जीन म्यूटेशन। यहाँ पे आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है कंप्लीट हो गया, ओके। दूसरा अगर इसको हम जीन म्यूटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी एक प्लेस पर मतलब एक बेस पेयर में चेंजेस जो आएंगे तो वो चेंजेस किसी पर्टिकुलर जीन में ही चेंजेस, एक सिंगल जीन में ही चेंज जो है वह दिखाई देगा, एक से ज्यादा जीन में चेंज जो है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक जीन में बेस पेयर्स का नंबर जो है सिंगल एक से ज्यादा होता है, तो उसमें अगर जो वो पर्टिकुलर म्यूटेशन वाला जीन बेस पेयर आ रहा है तो उसी जीन में क्या होगा, चेंज होगा, उसके अलावा दूसरे जीन में चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हम जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन इसको हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो कैटेगरी है आपका पॉइंट म्यूटेशन, द सेकेंड इज द इन्वर्जन एंड थर्ड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके, पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्जन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब कैसे ये जो है नेम प्रोवाइड किया गया इन सभी को, बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में, होता क्या है कि जो बीटा क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन में दो चेन होते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है उसके स्ट्रक्चर में दो चेन होते हैं, एक अल्फा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है, तो बीटा चेन में जो सिक्स प्लेस होता है, सिक्स प्लेस पर जो अमीनो एसिड पाया जाता है हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं प्रोटीन से बना होता है, अल्फा और बीटा प्रोटीन का चेन होता है, तो जो सिक्स प्लेस होता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन उसी उस पर पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड, तो वहां पे ग्लूटामिक एसिड के लिए जो बेस रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज द जी ए जी, ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जी ए जी। तो जी ए जी ए की जगह पे क्या होता है यू कन्वर्ट हो जाता है, अभी आप अगले चैप्टर में आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे जी ए जी जो होता है ग्वेनिन एडिनिन ग्वेनिन ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, कोड्स अभी आप अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, जेनेटिक कोड वहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा। जी ए जी एक कोड होता है जो कि ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड होता है उसके लिए कोड करता है, और अगर इसी के जगह पे एक जगह पे अगर यू आ जाए, ओके, एक जगह पे अगर यू आ जाए तो वो कोड करता है किसको, द
दूसरे अमीनो एसिड को जीएजी जो है ग्लूटामिक एसिड को प्रोड करता है और जीयूजी जो है वो प्रोड करता है वैलाइन को। वैलाइन एक दूसरा जो है अमीनो एसिड होता है। तो होगा क्या, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे अगर वैलाइन आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसमें स्पेशली होता क्या है कि चेंज क्या दिखाई देता है कि जो ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ऐसे केस में इस म्यूटेशन की वजह से। और ऑक्सीजन जब डिफिशियंसी हो जाएगी, और दूसरा चीज़ एक चीज़ और दिखाई देता है कि जो शेप ऑफ आरबीसी होता है स्पेशली हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं आरबीसी में, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल सेल सिकल शेप का हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज को इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है बॉडी में उसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और दूसरा चीज़ जो है आरबीसी का शेप जो है सिकल सेल शेप हो जाता है। तो इसलिए इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। दूसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन द केस ऑफ इन्वर्जन, जैसे मान लीजिए ये आपका कोड है जी ए जी, जी ए जी एक ट्रिपलेट कोड है, तो जी ए जी में क्या दिख रहा है आपको, ये जी दोनों बॉर्डर पे है और ये बीच में है। अगर इसमें इन्वर्जन होता है इन दोनों के बीच में, होगा क्या, जी जो है एक प्लेस पे चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा जी की प्लेस पे, तो रिलेशन की वजह से प्रोग्राम बनेंगे जी जी ए, और जी जी ए जो है जी ए जी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और जी जी ए जो है दूसरे अमीनो एसिड। इस तरह से जो अमीनो एसिड होगा उस पर्टिकुलर जीन में वो अमीनो एसिड क्या होगा, चेंज होगा, और अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तीसरा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे एडिशन और डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट इज ड्यू टू एडिशन और डिलीशन, या तो एक बेस पेयर जो है ऐड होगा या फिर डिलीट होगा। तो ऐसे केस में जो म्यूटेशन होगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम लेते हैं वाई डी टू चैट ईट द रेड, वाई डी कैट ईट द रेड रेड। अब देखिए ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है, इस सेंटेंस में आप देखेंगे क्या कि ये सेंटेंस ये है, इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी वर्ड्स ट्रिपलेट में हैं, वाई डिड कैट ईट द रैट। तो ये सेंटेंस इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं और एक कोडान जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखना चाहते हैं तो फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, या तो एक बेस पेयर जो है ऐड होगा या फिर डिलीट होगा। तो सपोज हम ऐड करके देखते हैं ओके, या डिलीट करके देखते हैं, डिलीट करेंगे क्या होगा, सपोज यहाँ पे डी जो है डी आई डी डीट में जो है एक डी को हम डिलीट कर दे रहे हैं, डी को डिलीट कर दे रहे हैं, तो डी को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इसका सी यहाँ पे चला आएगा, कैट का जो सी होगा यहाँ पे चला आएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा क्या सी वहां चला गया, ए और डी बचा, और उस वाले में का ई क्या होगा इसमें चला आएगा, और इसमें नेक्स्ट वाले में क्या होगा ई, अब यहाँ पे चला आएगा तो इस वाले का टी क्या होगा इस वाले में चला आएगा, और अगले वाले में क्या होगा कि एक ट्रिपलेट पे एक बफर हो रहा है तो आर जो है क्या होगा आर इस वाले में चला आएगा। वैसे में क्या होगा कि एक एक बेस पेयर क्या हो रहा है कि एक एक में शिफ्ट हो रहा है, अपने पहले वाले पीछे वाले में क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, और लास्ट में जो बचेगा वो कोडान क्या हो रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, मतलब वो किसी अमीनो एसिड को कोड करने लायक नहीं बच रहा है क्योंकि वो ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं हो रहा है। वैसे केस में क्या होगा कि सारे अमीनो एसिड क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, जो सारे कोडान चेंज होंगे तो उस प्रोटीन का वो भी प्रोटीन होगा जिसमें प्रोटीन का जीन होगा जिसमें म्यूटेशन हो रहा है फ्रेम शिफ्ट, तो उसका जिस प्लेस पर ये म्यूटेशन हो रहा है उसके आगे वाला जितना भी अमीनो एसिड है वो सारे अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, और अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जीन म्यूटेशन को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्जन एंड फ्रेम शिफ्ट।